अजाब गजाब घर जमाई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नानी जी तक बात पहुंच गई है। और आप लोगों को क्या लग रहा है? नहीं बताओ क्या लग रहा है आप लोगों को? नानी जी की ये पुश्तैनी साड़ी जो बर्बाद हुई है, इसके जुर्म में मैं अकेला सूली पे चढ़ूंगा हैं? बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हम तीनों ने तो तुम्हारी मदद करने की कोशिश की ना। हाँ, मदद करने की कोशिश के नाम पर आप लोगों ने क्या किया? मेरे हाथों में कितनी चूड़ियां हैं। डार्लिंग गिन लो ना। ए दीदी कहाँ की नहीं है? मम्मी आज तो आप बहुत खुश नजर आ रही हो। कोई खास बात है क्या मम्मी? हमें भी तो बताइए। हाँ बताते हैं, बैठो बैठो। हाँ आज मैया बहुत खुश है, इसीलिए हम भी बहुत खुश है। क्यों खुश है वो? अरे मैया आज हमारे स्कूल के समारोह में जा रही हैं, वो भी पुश्तैनी साड़ी पहनकर। वो पुश्तैनी साड़ी जो बाद में मुझे दोगे, वो वाली? हाँ वही। और वो वाली बाद में मैं अपनी बेटी मोनिका को दूंगी और वो अपनी बेटी को देगी, वो वाली? हाँ हाँ वही वाली। वो पुश्तैनी साड़ी तो इस खानदान की सबसे खूबसूरत धरोहर है। हाय मतलब नानी आज और भी सुंदर दिखेंगी। और मैं भी वो साड़ी पहन के कितनी खूबसूरत दिखूंगी। हाँ दीदी ठीक है, जब आप वो साड़ी पहनेंगी ना तो हम आपकी भी नजर उतार लेंगे। हाँ। पर आज ना, आज तो नानी की नजर उतारने की बारी है। हाँ। जाओ नानी जी के पास। वाह वाह वाह, अब चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि हाथ में मेरे है अब पैसा, फिर डर कैसा। नाना जी आप जाके नानी जी को संभालिए, मैं यूं गया और यूं आया है। बड़े लाल। मालकिन मालकिन वो। बड़े लाल अब तुम्हारा दिमाग पड़े कि थप्पड़ जड़े। मालकिन हमने छोटे जमाई जी को बता दिया था कि आप उन्हें बुला रहे, मगर मालकिन हमने अभी अभी उनको घर से बाहर जाते हुए देखा। क्या हमारे बुलाने के बाद भी वो चंट घर से बाहर चला गया? स्कूल के फंक्शन में एक घंटा भी नहीं बचा है, आज इस चंट की खैर नहीं। ये टाइम हो गया अभी तक चिंटू आया नहीं है। अरे नाना जी आप परेशान क्यों हो रहे हैं, जिसने किया है वही भरेगा। किसने किया है और कौन भरेगा? चिंटू कहाँ? अरे जगदम्बे चिंटू काम से गया है, आता ही होगा। नानी जी की जय हो, नानी जी की जय हो। नानी जी चिंटू इधर है। अरे बेटा कहाँ गए थे तुम, हम कब से बुला रहे हैं तुम्हें। नानी जी वो मैं क्या है ना, आपकी ये साड़ी है ना, इसको पॉलिश कराने के लिए गया था। नानी जी ये आपकी पुश्तैनी साड़ी पहन करना आप क्या जचोगे? बेटा चंट मेरा मतलब है चिंटू बेटा, ये हमारी पुश्तैनी साड़ी नहीं है। ये पुश्तैनी साड़ी नहीं है तो फिर कौन सी पुश्तैनी साड़ी? ये जो हमने पहनी हुई है। इसका मतलब नानी जी की फिरोजी रंग की पुश्तैनी साड़ी आज स्त्री के लिए गई ही नहीं। हाँ। अरे हाँ चिंटू जी, खास मौकों पर नानी यही पुश्तैनी साड़ी पहन के तो जाती है। पन्ना जी आपको भी क्या पीके जमाई की भूलने की बीमारी हो गई, आपको याद नहीं हम कितनी बार ये साड़ी पहने फंक्शन में? अरे जगदम्बे अब मैं तो हमेशा तुम्हारे चेहरे की ओर देखता हूँ, इसमें इतना तेज है इतना नूर है कि कहीं और ध्यान जाता ही नहीं है। नानी जी क्या है ना, मैं तो आपके लिए सरप्राइज लाया था। नानी जी की जय हो, नानी जी की जय हो। नहीं बेटा पॉलिश तो तुमने बहुत अच्छी की है, ये दरअसल ये साड़ी ना हम गरीबों में बांटने वाले थे और हम चाह रहे थे कि तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन तुम पता नहीं कहाँ गायब हो गए। खैर अभी तो तुम्हें तैयार होने में बहुत वक्त लगेगा, इसलिए कोई बात नहीं, ये साड़ी हम तुम्हारे नाम से ही गरीबों में बांट देंगे, ठीक है? नानी जी की जय हो। वो तो है ही है। इस बार तो बच गए चंट, देखती हूँ कब तक बचोगे। अजाब गजाब घर जमाई।